मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र के बमेरा गांव बाघ ने वृद्ध पर हमला कर दिया था। हमले के बाद वृद्ध की मौत हो गई थी। हमलावर बाघ का रेस्क्यू करने का निर्णय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लिया और शुक्रवार को प्रबंधन ने बाघ का बमेरा गाँव से रेस्क्यू कर लिया है। बाघ ने बमेरा गाँव में डेरा डाल रखा था। बाघ रेस्क्यू के बाद प्रबंधन के अधिकारियों की निगरानी में है, जिसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान भी मिले हैं और चोट में इन्फेक्शन फैल रहा था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वेटरनरी के जबलपुर से डॉक्टरों की टीम को बुलवाया गया, जो घायल बाघ का इलाज कर रही है। टाइगर एक्चुअली में काफ़ी घायल हो गया था, दूसरे टाइगर ने उसको घायल किया है और घायल होने के कारण उसको काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन के बाद उसको ट्रैंकुलाइज करके प्रारंभिक उपचार दिया गया और बाकी के उपचार के लिए उसको अभी रखा गया है, उसका उपचार चल रहा है। वहाँ की टीम आ रही है सर। इसमें हम लोगों ने जो जबलपुर के हमारा फॉरेंसिक हेल्थ स्कूल है वहाँ की टीम आ रही है और हमारा जो स्थानीय डॉक्टर है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर हैं, वो उसका इलाज कर रहे हैं और उसका इलाज लगातार चलेगा जब तक कि उसकी फिटनेस के बारे में कुछ आगे नहीं। अभी इलाज पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कल तक तो वो चल नहीं पा रहा था लेकिन आज वो खड़ा भी हो पा रहा है, गुर्रा भी रहा है, उसका इलाज में सुधार है। आगे उसकी बाकी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा।